व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। मैं सुदीप, आपको सुदीप होममेड कुकिंग में स्वागत करता हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं पम्पकिन से एक सब्जी। तो इसके लिए हमने पम्पकिन बड़े बड़े साइज के काट के रखे हैं, आलू भी कटा है और इधर कैप्सिकम और टमाटर भी काटे हैं और प्याज, हरा मिर्च और यहाँ पर जो मसाले हैं तेज़पत्ता, जीरा, नमक, हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर। चलिए बनाते हैं पम्पकिन से एक सब्जी। कढ़ाई गर्म हो चुका है और अभी हम इसमें तेल डालेंगे और पम्पकिन और पोटैटो को थोड़ा फ्राई करेंगे पहले। तो हमारा तेल तेल गर्म हो रहा है। तेल गर्म हो गया तो हम लोग इसमें पोटैटो और पम्पकिन को एक साथ में इसको थोड़ा सा इसको पका लेंगे। नमक डाल दिया है। थोड़ा सा हल्दी भी दे दिया है। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे। पकाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा उतारने का समय। फ्राई हो गया है, हम लोग 5 मिनट तक करीब इसको फ्राई किए थे। अभी इसको उतार लेंगे और मसाले को फ्राई करेंगे। जो मसाले उसमें देंगे, पहले सूखा हुआ मरीची दे दिया। इसमें तेज पत्ता भी दे दिया, मीठा जीरा, जीरा मीठा जीरा और जीरा जो था वो भी दे दिया। सॉफ्ट भी बोलते हैं मीठा जीरा को। प्याज भी डाल दिए। कुछ टमाटर भी तो हमने बड़े बड़े साइज में काट लिए थे। मसाले को अच्छे से पकाएंगे। मसाले को जितना भुनेंगे उतना ही वो अच्छा और सब्जी उतना टेस्ट होगा। वहाँ पर थोड़ा नमक भी दे रहे हैं घर देखिए। थोड़ा सा पकाएंगे बस, बाकी जो मसाले है पाउडर वो दे देंगे। हम थोड़ा ढक के रखा है। इसमें कुछ चने मिला रहे हैं और थोड़ा देर और पकाएंगे। प्याज का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट, इन सबको मिला के हम लोग अच्छा से कुछ समय तक जब मसाले को पकाएंगे और जो पाउडर मसाला है, जो हल्दी हो गया, जीरा, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हरी मिर्च, कश्मीरी मिर्च, उसको मिला कर अच्छा से उस देर तक पकाएंगे। हमारा मसाला अच्छा से पक गया है तो इसमें हम अभी जो फ्राई किए हुए पम्पकिन और पोटैटो हुए वो डाल देंगे और इसको अच्छा से पकाएंगे। और पकने से कुछ समय पहले हम लोग उसमें कैप्सिकम भी ऐड कर देंगे। कैप्सिकम का भी एक अच्छा सा टेस्ट फ्लेवर आ जाएगा। पर अभी हम कैप्सिकम को मिला रहे हैं। कलर देखिए कितना अच्छा है।
और ये इसको कैप्सिकम के साथ कुछ समय तक पकाएंगे। कैप्सिकम भी थोड़ा पक जाए इसके बाद उतार देंगे। उतार के आपको मैं दिखाऊंगा जब कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हम लोग थोड़ा सा गर्म पानी भी मिला दिए है थोड़ा सा ग्रेवी टाइप करने के लिए। तो अभी ये बन के रेडी होने के बाद मैं दिखाऊंगा। और ये हमारा पम्पकिन का बन के तैयार है। मैं आपको थोड़ा उतार के दिखाता हूँ। इसे बना के खाइए तो अच्छा लगेगा। कैप्सिकम का एक अच्छा सेंट रहता है। तो ये हमारा कैप्सिकम का सब्जी बनके तैयार है। बाय व्यूअर्स।